हेलो सोहा गाइज, आज के एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का फिर एक बार मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, मैं आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube वीडियो को कुछ इस तरह से अपने YouTube वीडियो को कैसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सेटिंग एप्लीकेशन देखने को मिल रहा होगा। इस सेटिंग एप्लीकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सेटिंग एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाना है। अब जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको लास्ट में डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन को कैसे ला सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो में एंड तक बने रहना। तो फ्रेंड्स, आपको डेवलपर ऑप्शन को लाने के लिए अबाउट फोन में चले जाना है। आप जैसे ही अबाउट फोन में जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि अबाउट फोन ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बोल्ड नंबर देखने को मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको 7 बार टाइप कर देना है। अब जैसे ही इस पर 7 बार टाइप करेंगे फ्रेंड्स, डेवलपर ऑप्शन आपके फ़ोन के सेटिंग में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, हम यहाँ से बैक चले जाएँगे। अब जैसे ही बैक जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि डेवलपर ऑप्शन फ़ोन में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह से अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन को ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन ऑन है। तो फ्रेंड्स, हमें डेवलपर ऑप्शन को बंद कर देना है। अब जैसे ही डेवलपर ऑप्शन को बंद करेंगे फ्रेंड, अब आपके फ़ोन में यूट्यूब वीडियो होम स्क्रीन पर चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि यूट्यूब वीडियो को फ़ोन के होम स्क्रीन पर कैसे चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से बैक चले जाएंगे। अब जैसे ही बैक जाते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से हम यूट्यूब ओपन कर लेंगे। यूट्यूब ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ से हम कोई भी वीडियो चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं किसी एक वीडियो पर क्लिक कर दूँगा। अब जैसे ही क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपको होम बटन से स्किप कर देना है। अब जैसे ही स्किप करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूट्यूब स्किप हो चुका है। तो फ्रेंड्स, फिर से होम बटन को टच करना है। टच करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको यूट्यूब का लोगो देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस यूट्यूब वाले लोगो पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यूट्यूब वाले लोगो पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ओपन इन पॉप अप व्यू देखने को ऑप्शन मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, अब जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि होम स्क्रीन पर यूट्यूब वीडियो चलने लगा है। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह से अपने यूट्यूब वीडियो को होम स्क्रीन पर चला सकते हैं और किसी और काम को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।